बेमतलब की इस दुनिया में वही हमारी शान है, किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान है। ऐसा ही रिश्ता होता है एक पिता और बेटी का, वो लड़ती है झगड़ते हैं मगर उनमें प्यार भी उतना ही होता है। इसीलिए बेटी की शादी के समय सबसे पहले एक पिता की आंखों से पानी छलकता है, जिसे सीने से लगाया, जिसे चलना सिखाया, वही बेटी आज पराई होने का दर्द एक पिता ही बता पाता है। ऐसे ही किस्से और पिता बेटी की कहानी लेकर इस डॉटर्स डे आ रहा है BCN। कहते हैं बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनको बेटियां होती है, और आज डॉटर्स डे का ये दिन है जहाँ पे BCN कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पिता और बेटी के रिश्ते से आपको मिलाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अनूठा रिश्ता होता है। कहा जाता है कि बेटियां जो है वो सबसे ज़्यादा अपने पापा से क्लोज होती है और अपनी जितनी भी बातें हैं वो पापा से शेयर करती है, और कहीं ना कहीं दोनों का बॉन्ड भी जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और इसीलिए आज डॉटर्स डे के दिन हम जितने भी पापा और बेटी के रिश्ते हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें आज हम आए हैं नागपुर के एक जाने माने उद्योगपति, साथ ही BCN नागपुर मेट्रो समाचार और BTP ग्रुप के चेयरमैन शिराज शेख, इनसे बात करने के लिए। इनकी बेटी भी यहाँ पे है मौजूद, और इनसे हम दोनों बस गुफ्तगु करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो सर, आज डॉटर्स डे है और इसके उपलक्ष्य पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल, डॉटर डे पे सभी जितने भी पेरेंट्स हैं सब उनकी जो बेटे होती हैं उनको, सभी बेटे की तरफ से उनके पापा को बहुत बहुत बधाई पहले। और दूसरी बात, हमारी जो लाडली है शाफिन भाई, शाफिन शेख, ये हमारी बहुत क्यूट बेटी है। हमारी जहरा बहुत क्यूट है। हमारे एक अर्शी है जो बड़ी बेटी है, सीए, वो सीए बन गई है। ये जो मुझे जो बेटी मिली, बेटी का जो गर्व जो महसूस कर रहा हूँ मैं, शायद ही कोई पेरेंट्स करता होगा, मुझे पता नहीं है कि हमारे घर की जानी है ये, हमारे घर की करता धरता ही, हमारे गाइडलाइन है, हमारी HR भी है हमको पूरी पूरा, और मेरे हमारी असिस्टेंट भी बोले तो घर की यही है, सब चीज़ सिखाना, पूरे घरों को कैसा वातावरण में रखना, उसके बाद में हमने क्या खाना क्या पीना, कैसे उड़ना कैसे रहना, क्या जो आज बेटियाँ सिखाती है वो पापा को याद ही नहीं रहता घर में, क्या कब दिन निकल गया, कब उठना है, कब जाना है, केयर करना है। तो बेटियाँ रहने के बाद जो हमको ट्रीटमेंट मिलता घर में वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपकी बेटी आपकी माँ की तरह एक्ट करती है, मतलब सारे गाइडलाइंस, ऐसा करना है वैसा करना है, सारी चीज़ें बताती है। अच्छा, अब कुछ ऐसा होता है कि पापा और बेटी का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा होता है, तो मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहती हूँ आपकी बेटी के से जुड़े, जानना चाहती हूँ कि कितना जानते हैं आप आपकी बेटी के बारे में। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आपकी बेटी का फेवरेट कलर कौन सा है? उसका पिंक। फेवरेट कलर है, ओके। और उसके बाद जब हम लोग खाने की बात करें तो कौन सी ऐसी डिश है जो आपकी बेटी को बहुत अच्छी लगती है? उसको दो चीज़ें, वेज में वेज बिरयानी जिसको हम तहरी बोलते हैं, और दूसरा चिकन। चिकन बहुत पसंद। मतलब आप सहमत हैं इस बात से? ये सारी चीज़ें बताएं उनको। मूवी के बारे में जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी मूवी है जो आपकी बेटी को बहुत पसंद है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसने पागल बना दी थी मुझे। जब बॉम्बे गए थे हम लोग, वो तारक मेहता के पूरी टीम के मिलने के लिए दो दिन मुझे छोड़ी नहीं थी उसने, यानी हम लोग तारक मेहता के वो जेठा भाई के घर, यानी जेठा भाई के स्टेज पे भी गए हम लोग। उसके बाद में वो क्या था, चंपक लाल, सभी लोग, काफ़ी लोग मिले, और उनके तो उन एक को तो जिम में जाके मिले हम लोग, क्या नाम था उसका, बीड़े अंकल, तो पागल मेहता। इसको सीरियल का बहुत ज़्यादा शौक है मूवी से ज़्यादा, और बाकी मूवीज में तो मैं देखा नहीं, मेरे साथ तो छोटी मोटी मूवी देखी है, सीरियल में तो बिल्कुल, घर में भी जाएंगे तो दिन भर तारक मेहता ही लगे रहता। अच्छा, एक और ये था कि आज डॉटर्स डे का जिस तरीके से उपलक्ष्य है, क्या मैसेज आप BCN के थ्रू अपनी बेटी को देना चाहेंगे? कुछ भी अगर आपको गाना गाना है आप गा सकते हैं, या फिर कोई मैसेज जो आप अपनी बेटी को देना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर हम हमारी बेटी का बेटी के लिए जो प्यार है वो जाहिर नहीं करते, तो आज हम ये जरिया दे रहे हैं कि आप आपकी बेटी के लिए क्या कहना चाहते हैं डॉटर्स डे पर। बस मेरी बेटी से तो मैं एक ही दुआ करूँगा, क्या गाना तो नहीं गा सकता, गाना मुझे आता नहीं है, ये भी इसी फील्ड में आना चाहती है, एंकरिंग सिम में मीडिया फील्ड में आना चाहती है, तो ये बहुत बड़ी एंकर बने,
बहुत अच्छा अच्छा लोगों से इंटरव्यू लें, क्योंकि इसमें टैलेंट जो है इसके पूरे घर में, क्योंकि ये पूरे घर की बॉस बोली जाती है, यानी घर में तो छोटा हमारा जो शेख परिवार है उसमें भी ग्रुप, ये एक ऐसी लड़की है कि उसके पूरे खानदान के बर्थडे इसके मुंह पे रटे हुए हैं। कौनते बच्चे का कब दिन बर्थडे आता है, कोई बड़े हम लोग को भी याद नहीं रहता, लेकिन ये दो दिन पहले सब बता देती, इसको कोई भी चीज़ पूछो तो फटाफट बता देती। इधर ग्रेड, ये इसी जैसी ग्रेड लड़की, मेरे सभी बच्चे ग्रेड है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ग्रेड है। सर एक और सवाल था आपसे कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत बार लड़कियों को बोझ माना जाता है, कहा जाता है कि लड़कियां अगर पैदा हो गई तो वो बोझ ही रहते हैं ना, वो हमारी जितने भी हम लोगों के हमारा नाम ना आगे ले जा सकती है और वो सिर्फ चूल्हा चौका ये सारी चीज़ें करने में अच्छी होती है। आपसे जानना चाहूँगी जो सोसाइटी की जो रूढ़िवादी सोच है इस बारे में। देखो मेरी तो लेडीज़ को लेकर तो बहुत उल्टी सोच है, मेरे घर में मेरी मिसेस हो या मेरी बच्ची हो या मेरे भाभी हो या कोई भी हो, मैंने सभी को एक ही चीज़ बोला कि आप हर कोई व्यक्ति बिजनेस में आओ, बिजनेस सीखो, जॉब करो या कोई और जो भी है, क्योंकि देखो धार्मिक चीज़ तो हमारे घर में पूरी कंपलसरी स्कीम, वो माँ अच्छे से जवाबदारी निभा लेती है, लेकिन कैसा है कि इंसान की लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, चाहे उसके पापा हो, चाहे उसके हस्बैंड हो, चाहे उसके भाई लोग हो। यानी आज की घंटे से मेरी सोच ऐसी कि कब जिंदगी में कब किसके साथ क्या घटना घटी, दुर्घटना घटी, मालूम नहीं। तो घर की लेडीज़ को बिजनेस नॉलेज, जो उसके पापा संभाल रहे हैं या जो जिसकी शादी होगी, जो उसका हस्बैंड संभाल रहे, जो भी कारोबार, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने तो कभी बेटी को बहुत समझा नहीं और मैंने तो सिर्फ आगे बढ़ाया। मुझे तो मेरे घर में तो ऐसा है कि 5-7 पीढ़ी भी बैठ के खाई तो भगवान की दया से, अल्लाह की दया से बहुत कुछ है मेरे पास में, अल्लाह की। लेकिन मैं फिर भी लड़कियों को, बेटी को, मिसेस को भी बुटीक करने लगाता हूँ और भी जो भी है बच्चों को बोलता आप करो, बेटी भी सीए कर ली, सीए के एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रुप में पास हो गई है वो भी, और इसको भी मतलब कि मीडिया फील्ड में जल्द से जल्द आ जा करके। तो ये मेरा बोलने का मतलब कैसा कि इंसान के बॉडी में खुद टैलेंट होना चाहिए, इंसान को अपनी जुनून आगे बढ़ाता है। अगर हमारे बॉडी में जुनून नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसके बॉडी में जुनून नहीं रहेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके ज़रूरी नहीं कि इससे पैसा कमाना करके, आज हमारी बेटी भी कहीं इंटर्नशिप कर रही है, हमने क्लियर शब्द में बोला कि आपको वहाँ से फंड नहीं लेना है, आपको पैसे नहीं लेना, वो 3 साल का इंटर्नशिप कोर्स है, आपको सिर्फ जाओ सीखो और जितना आप हो सकते हो सीए बने, बड़े सीए बनो, इनकम टैक्स में आपकी नौकरी लगे और अच्छी बात है, फंड के लिए हम काम नहीं करा रहे। लेकिन हम इसलिए उसको वहाँ भेज रहे कि उसको में टैलेंट पूरा आना चाहिए, वो किसी की मोहताज नहीं रहना चाहिए, ये मेरी सोच है। जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि पापा और बेटी का रिलेशन बहुत मस्ती भरा भी होता है, बहुत प्यारा होता है और उनका बॉन्ड जो है ना वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वैसे ही शायद आपका और आपके पापा का भी बॉन्ड होगा। तो मैं चाहती हूँ आज डॉटर्स डे के मौके पर आप आपके और आपके पापा के रिलेशन जो भी है उस बॉन्ड को डिस्क्राइब करें। मेरे और पापा के रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं, लाइक जो चीज़ चाहिए पापा हमेशा दे देते हैं एंड लाइक मना नहीं करते, बट थोड़ी लेट मिलती पर मिल जाती है चीज़ें, बट जैसे अभी मुझे शूज चाहिए तो मिल जाएंगे मुझे, तो लाइक रिलेशन अच्छे है, जो मांगे वो मिल जाता है। अच्छा आज डॉटर्स डे भी है तो क्या डिमांड करोगे आप आपके पापा से कि मुझको ये चीज़ चाहिए? पापा को मेरी डिमांड तो पता है कि मुझे शूज चाहिए तो मिल ही जाएंगे, मिलेंगे बस, मतलब मिल ही जाएंगे आपको। तो यही बहुत प्यारा सा बॉन्ड हमने देखा यहाँ पे, और जिस तरीके से कहते हैं ना कि किस्मत वालों को बेटियाँ होती है, साथ ही जो पापा और बेटी का बॉन्ड होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। कई बार ये कहा जाता है कि पापा का वॉइस सुन पे, फ़ोन पे ही आवाज़ सुन के बेटियाँ समझ जाती है कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके की उनके साथ स्थिति चल रही है। तो ऐसा बहुत बार माना जाता है कि जो सबसे ज़्यादा क्लोज रहती है अपने पापा के वो बेटियाँ होती है, और आज ऐसा ही कुछ बॉन्ड हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं BCN पे और ऐसी कुछ कहानियाँ भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपके पापा के साथ बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स होंगे, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे, कुछ फनी होंगे, कुछ एंग्री वाले होंगे, कौन सा शेयर करना चाहोगे आप? मेरा दोनों पे मिक्स वाले, एक मुझे याद है लाइक व्हेन आई वाज 11-12 तो मुझे टैब चाहिए था, बट उस टाइम पे एज के अकॉर्डिंगली वो करेक्ट था कि उस एज में नहीं मिलना चाहिए, तो मेरे दोनों भाई बहनों को मिल गया था पर मुझे नहीं मिला था, आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग। तो फिर पापा ने मुझे उस चीज़ के लिए डांटे थे और वो टैब अभी भी मेरे पास रखा है, इनफैक्ट वो चलता नहीं है फिर भी वो अभी भी मेरे पास रखा है क्योंकि वो पहली बार मुझे पापा ने डांटे थे करके। एक मैसेज या फिर कोई गाना आप जो पापा के लिए गाना चाहोगे आपके? याद करना पड़ेगा।
मैसेज? बस यही कहना है कि अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, हर किसी को नहीं मिलते हैं, किसी किसी को मिलते हैं तो बस उन्हें रिस्पेक्ट करने चाहिए।